नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम पाथ फाइंडर में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए पांच नए जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आई हूं, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वडोदरा के द्वारा घोषित की गई है। मैं आपको बता दूं, ये जो प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बेसिस पे होगी। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूँ कि जिन चार पोस्ट की घोषणा हुई है वो है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड वन एंड असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड टू। आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारे लिए मोड ऑफ एप्लीकेशन है वो है ऑफलाइन, और आपको दिए गए इस एड्रेस पे अपना एप्लीकेशन सेंड करना है किसी भी रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट के द्वारा। तो गाइज आप देख सकते हो मैंने इस एड्रेस को हाईलाइट कर रखा है और मैं आपके लिए रीड आउट करके बताने वाली हूँ। तो आप देख सकते हो जिस एड्रेस पे आपको अपना एप्लीकेशन सेंड करना है वो है टू रजिस्ट्रार, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वडोदरा, ब्लॉक नंबर 9, केयर ऑफ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस, सेक्टर 28, गांधीनगर, गुजरात 38028। इसी के साथ जब आप यहाँ पे नीचे होगे तो आप देख सकते हो अटैचमेंट सेक्शन में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अटैचमेंट है जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन। गाइज ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सारी इंपॉर्टेंट जानकारी होती है, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फी, पैटर्न, एनेक्सस, प्लेस ऑफ पोस्टिंग एक्सेट्रा। सो गाइज अगर आप ऐसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इंटरेस्ट रखते हो तो आप डायरेक्टली हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com पर आकर जब आप इस डाउनलोड बटन पर प्रेस करते हो तो आपको एक ऐसी डॉक्यूमेंटेशन मिलती है। आप देख सकते हो इनके लिए जो स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस वो 11th मार्च 2022 से लेके जो लास्ट डेट है वो है 22nd अप्रैल 2022। इनके लिए जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो है 8, असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 में 6, असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 में 1 एंड असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 में 1। साथ ही आपको मैं बता दूं यहाँ पे हर डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट पे लेवल है। तो जो हमारा सबसे पहला पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1, इनके लिए जो पे लेवल है वो लेवल 12, असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 के लेवल 11 एंड असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 के लिए लेवल 10। इसी के साथ जब आप यहाँ पे नीचे आओगे तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे आप देख सकते हो ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मेंशनड है और आप इन्हें ज़रूर से ज़रूर देखें। साथ ही आप देख सकते हो जनरल डिटेल्स फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ फैकल्टी पोजिशन, इनके लिए जो ब्रॉड स्पेशलाइजेशन है वो है आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंजीनियरिंग होनी चाहिए या फिर डेटा साइंस में या फिर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग, फॉर्मल मेथड, थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, कंप्यूटर आर्किटेक्चर या फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड वेब टेक्नोलॉजी या फिर IoT, कंप्यूटर नेटवर्क, WSN, वायरलेस नेटवर्क, ICT, न्यूमेरिकल ऑप्टिमाइजेशन एंड साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन। आप देख सकते हो यहाँ पे हर पेज पे मेंशन है कि आपको दिए गए इस एड्रेस पे अपना एप्लीकेशन सेंड करना है 22nd अप्रैल 2022 से पहले। और आप जब यहाँ हमारे लास्ट पेज पे आओगे आप देख सकते हो आपके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो PhD की डिग्री होनी चाहिए। आपके पास हर डिफरेंट पोस्ट के लिए यहाँ पे आपके लिए PhD इनिशियल एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। और जब आप यहाँ पे नीचे आते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे लास्ट पेज पे एप्लीकेशन फॉर्म भी आपके लिए अटैच की गई है। सो गाइज आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को ध्यान से आप इसे फिलअप करें। यहाँ पे आपको अपनी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अटेस्ट करनी है, आपको यहाँ पे अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिलअप करने हैं, यहाँ पे आपको डॉक्टरल डिग्री और यहाँ पे आपको टीचिंग एक्सपीरियंस। साथ ही आपको मैं बता दूँ इस पूरे ऑफिशियल नोटिफिकेशन को मैंने आपके लिए रीड आउट करके एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन स्टिल अगर आपके पास कोई क्वेरी है, कोई इन्फॉर्मेशन है या फिर अगर आपके पास कोई डिस्कशन पॉइंट है जो आप अपने बाकी फेलो कैंडिडेट्स के साथ शेयर करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com पर आकर जब आप इस फोरम बटन पर क्लिक करते हो तो आप हमारी कम्युनिटी फोरम पर आते हो। इस कम्युनिटी फोरम पर आप देख सकते हो यहाँ पे एक राइटर रिप्लाई का सेक्शन है। गाइज इस राइटर रिप्लाई के सेक्शन में जब आप अपनी क्वेरीज, डिस्कशन या फिर अगर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन करते हो तो ये आपके बाकी फेलो कैंडिडेट्स के पास भी जाता है और वो भी इन डिस्कशन में या फिर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थ्रेड में फ्रीली रिप्लाई कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं आपके हेल्प के लिए। मैं हमारे इस कम्युनिटी फोरम की जो ये लिंक है वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड आप देख सकते हो ये हमारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक डिस्कस कर सकते हो, यहाँ पे आप एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन थ्रेड स्टार्ट कर सकते हो, आप इंटरेक्ट कर सकते हो। एंड आपके हेल्प के लिए मैं हमारे इस कम्युनिटी फोरम की जो लिंक है वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी। सो गाइज आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी और आप ऐसे अपडेट्स के साथ बने रहना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट।